नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। यदि आप एक पिता हैं और आपके बच्चे की उम्र 17 साल या इससे कम है, आप बच्चे के नाम पर ऐसी जगह पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां पर आपको 8 या 10 साल बाद इतना पैसा मिले ताकि आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन आसानी से पूरी करवा सकें, या फिर यदि आपके बच्चे को बिजनेस करना हो तो उसे पैसे दे सकें, बिजनेस में उसकी मदद कर सकें, या फिर जब आपको अपनी बच्ची की शादी करनी हो तो उसके शादी के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो, तो SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की मैक्सिमम उम्र 17 साल होनी चाहिए तथा माता और पिता की मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 57 साल की होनी चाहिए। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के दौरान बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर दिया जाता है। बच्चे के माता या पिता जिस किसी ने भी इस पॉलिसी को अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने हेतु लिया है उसे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है। यदि पॉलिसी टर्म के दौरान बच्चे के माता या पिता जिसने पॉलिसी को परचेज किया किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या दुर्घटना में वह शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं जिससे उनमें कमाने की क्षमता नहीं रहती, तो उस कंडीशन में SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी के तहत एक्सीडेंटल बेनिफिट सम असोर्ड का भुगतान किया जाता है जो कि पॉलिसी लेते समय ही पॉलिसी होल्डर द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। उसके बाद आगे का जो भी समय बचता है, जो भी प्रीमियम होता है, वह कंपनी द्वारा खुद भरना होता है। पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी चलाने के लिए अब प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होती और जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो पॉलिसी टर्म के मैच्योर होने पर बच्चे को और यदि पॉलिसी होल्डर जीवित है तो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ दे दिया जाता है। मिलने वाला मैच्योरिटी बेनिफिट पूरी तरीके से मार्केट लिंक्ड रिटर्न होता है क्योंकि SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में ईयरली प्रीमियम के रूप में हम जिस राशि का भुगतान करते हैं वह 9 तरीके के फंडों में निवेश किया जाता है। पॉलिसी होल्डर यदि फंड के बारे में नॉलेज रखता है तो अपनी इच्छा अनुसार अपने पैसों को निवेश करवा सकता है, अदरवाइज पॉलिसी लेते समय एजेंट द्वारा या फिर जो भी पर्सन आपको पॉलिसी दे रहा है उसके द्वारा आपके पैसों को निवेश कर दिया जाता है। मिलने वाला रिटर्न 8%, 10%, 12%, 14% या इससे अधिक तक का भी हो सकता है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के दौरान आपको लॉयल्टी एडिशंस का लाभ दिया जाता है। लॉयल्टी एडिशंस का लाभ कब और कितना मिलता है इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को देखकर लॉयल्टी एडिशंस के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी की एक खूबसूरती यह भी है कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में यदि आपके पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा हो जाता है और आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप पार्सल विड्रोवल ऑप्शन के तहत अपनी जरूरत के हिसाब से पैसों को अपने फंड वैल्यू में से निकाल सकते हैं। पार्सल विड्रोवल का लाभ कब और कैसे ले सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को देखकर पार्सल विड्रोवल के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। यदि आप स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेते हैं तो स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म कम से कम 8 साल और अधिक से अधिक 25 साल तक का होता है, यानी कि पॉलिसी को आप कम से कम 8 साल के लिए और अधिक से अधिक 25 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। पॉलिसी को लेने के लिए मंथली प्रीमियम के रूप में कम से कम 4,000 रुपये, क्वार्टरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 10,000 रुपये, हाफ ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 16,000 रुपये और ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 24,000 रुपये का भुगतान करना होता है। यदि आप स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को एक ही बार प्रीमियम का भुगतान करके लेना चाहते हैं तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, लेकिन यदि आप स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उस कंडीशन में पॉलिसी टर्म के दौरान एक्सीडेंटल बेनिफिट का लाभ आपको नहीं मिलता जो कि एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मेरी आप लोगों को सलाह है कि यदि आप स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेते हैं तो कभी भी पॉलिसी लेते समय सिंगल प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव ना करें ताकि आप पॉलिसी टर्म के दौरान मिलने वाला एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑप्शन का लाभ ले सकें। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।
आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।